मेरे प्यारे बच्चों, आज पूरी दुनिया के जीके जीएस पर बात करेंगे। हमारे विश्व स्तर पर क्या क्या चीज़ है, नहीं है, पूरा उसका जीके जानकारी लेंगे, ठीक है। इसी में आता है, देखो जीके जीएस में क्या पॉलिटिकल साइंस भी जीके आता है, सब इसी में आता है, ठीक है। पूरा दुनिया के बारे में जानना भी जरूरी है, महा जरूरी अभी के समय। तो पहला नंबर मेरा क्वेश्चन क्या है, पहला नंबर क्वेश्चन पृथ्वी बोल रहा है। पृथ्वी मतलब क्या था, पूरा देश में पृथ्वी, पूरा देश जो है ना पृथ्वी में आता है, पूरा देश पृथ्वी में आता है, ठीक है। हम सब पृथ्वी में ही है, ठीक है। पृथ्वी पर, पृथ्वी पर कुल की पूछ रहा, कुल कितने महासागर हैं, कितने महासागर हैं, महासागर हैं। कोई बच्चा अगर जानता है आंसर इसका फटाफट बता सकते हैं। हाँ, क्या पूछ रहा है, कितने महासागर है, महासागर पूछ रहा, कुल पूछ रहा, कुल भी पूछ रहा, कुल कितने महासागर है, ठीक है, पृथ्वी पर। तो पृथ्वी पर कुल कितने महासागर है, पांच, पांच महासागर है पृथ्वी पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, पृथ्वी पर, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी पर कुल कितने, कितने कुल कितने महाद्वीप है, कुल कितने महाद्वीप है, द्वीप है, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर कोई बच्चा इसका भी आंसर बता रहा है, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप पूछ रहा है आपको। क्या पूछ रहा है, महाद्वीप कुल कितना, कुल पूछ रहा है, पूरा पृथ्वी पूछ रहा है महाद्वीप कितना, तो सात को महाद्वीप है, ठीक है। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू, तीसरा नंबर विश्व का, विश्व क्या होता है, पूरा दुनिया को विश्व बोला जाता है, दुनिया को विश्व बोला जाता है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप पूरा विश्व में, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप की पूछा, सबसे बड़ा महाद्वीप, महाद्वीप, महाद्वीप कौन है, विश्व का सबसे महाद्वीप कौन है। ये तो सब बच्चा जानता होगा, इस पर कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं है। कौन सा विश्व का स्तर पर पूछ रहा है, विश्व स्तर पर पूछ रहा है सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, एशिया महाद्वीप, एशिया, एशिया महाद्वीप। यहाँ तक किसी को बच्चा को समझने में दिक्कत है तो आप बोल सकते हैं, सर हमको यहाँ दिक्कत, ठीक है, एशिया महाद्वीप। देख लीजिए मैं अच्छा क्वेश्चन को, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन है, विश्वविद्यालय कौन है। क्वेश्चन हमारा क्या करा है, विश्व का प्रथम, सबसे प्रथम, सब कौन सा प्रथम विश्वविद्यालय कौन है, सबसे पहले विद्यालय कहाँ था विश्व में, विश्व स्तर पर पूछ रहा है, सबसे पहले विश्व स्तर का सबसे पहले प्रथम विद्यालय कहाँ था, विद्यालय कौन था, कौन है, तक्षशिला, तक्ष विद्यालय का नाम क्या है, तक्षशिला विश्वविद्यालय, विश्व में सबसे पहला यही विद्यालय था विश्वविद्यालय। समझ किसी भी बच्चा कोई दिक्कत है बोल सकते, सर हमको यहाँ तक दिक्कत है, ठीक है, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, पांच नंबर, ठीक है बाबू, अगला क्वेश्चन पांच नंबर, अंतरिक्ष के बात कर रहा है, अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह परीक्षण करने वाला
विश्व करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा? विश्व का प्रथम देश कौन सा है? प्रथम देश कौन है? क्वेश्चन देखे क्या है, अंतरिक्ष का बात कर रहा है, अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह, ग्रह की बात कर रहा, उपग्रह परीक्षण मतलब परीक्षण क्या, जांच पड़ताल परीक्षण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा? प्रथम देश पूछ रहा, प्रथम देश वाला कौन सा, सबसे पहले परीक्षण करने वाला रूस, रूस देश है जो सबसे पहले परीक्षण किया था विश्व स्तर पर, ठीक है, सबसे पहला देश कौन सा, रूस। अगला नंबर फाइव नंबर क्वेश्चन देखिए, सिक्स नंबर क्वेश्चन देखिए, ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन देख लिए, सिक्स नंबर क्वेश्चन देखिए, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? प्रथम व्यक्ति पूछ रहा है, व्यक्ति कौन है, प्रथम व्यक्ति कौन है अंतरिक्ष पर, की बोला कौन है अंतरिक्ष पर पहुंचने वाला, अंतरिक्ष सबसे पहले पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है, व्यक्ति का नाम पूछ रहा, कौन व्यक्ति पहुंचा सबसे पहले अंतरिक्ष पर विश्व स्तर पर, ठीक है, तो विश्व स्तर पर जो पहला व्यक्ति का नाम क्या है, पहला व्यक्ति मेजर था, ठीक है, मेजर किसको कहता है, आर्मी में जो मेजर होता है, ठीक है, आर्मी वाला को मेजर कहते हैं, आर्मी जो ऑफिसर था, मेजर यूरी गागरिन। हमारा आंसर क्या है, मेजर यूरी गागरिन। यहां तक समझ, किसी को बच्चा को दिक्कत है बोल सकते सर हमको यहाँ दिक्कत है आंसर में, हम उसको फिर से अच्छा समझाएंगे, आप कमेंट कर सकते सर हमको, आपके लिए हमेशा अवेलेबल, हम 24 घंटा रहते हैं, ठीक है, आप अच्छा से देख लीजिए एक बार। चंद्रमा किसको बोलता है, चंद्रमा जो रात में जो उगता है उसी को चंद्रमा बोलते हैं, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का पहला देश पूछ रहा प्रथम देश कौन है क्वेश्चन एक बार अच्छे से आप समझिए बाबू, चंद्रमा का बात कर रहा, चंद्रमा पर मानव मतलब क्या था, आदमी, ठीक है, आदमी भेजने वाला विश्व मतलब पूरा देश में सबसे पहले कौन देश भेजा था चंद्रमा पर, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। पहला देश कौन था, संयुक्त राज्य अमेरिका, जो विश्व अधिक चंद्रमा पर भेजने वाला व्यक्ति था, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आठ नंबर देखिए मेरे बच्चे, मेरे डियर स्टूडेंट, अगला चंद्रमा पर उतरने वाला की पूछ रहा, उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था, चंद्रमा पर जो उतरा था सबसे पहले कौन व्यक्ति था, व्यक्ति का नाम क्या था, यही क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रमा पर उतरने वाला विश्व मतलब सबसे पहले देश का कौन सा आदमी था जो चंद्रमा पर उतरा था, तो सबसे पहले कौन सा आदमी उतरा था, नील आदमी का नाम क्या था,
नील 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 आम आम आर्म्स स्ट्रिंग नील आर्म्स स्ट्रिंग क्या नाम था नील आर्म्स स्ट्रिंग। यहां तक समय किसी को बच्चा की दिक्कत है सर हमको दिक्कत है ठीक है। एक बार क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लीजिए कि बायुवान बायुवान तो सब जानता है किसको बोलता है जहाज को जो ऊपर उड़ता है जहाज ऊपर उड़ने वाला जहाज को। बायुवान से उड़ान वायुवान से उड़ान भरने वाले भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था। एक बार आप अच्छे से क्वेश्चन को समझिए हम क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन को। वायुवान जहाज को उड़ने वाला वायुवान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था। आदमी के बारे में पूछ रहा कौन था जो वायुयान लेके उड़ा था ठीक है। प्रथम व्यक्ति कौन था जो वायुयान के लिए उड़ा था ठीक है। तो प्रथम व्यक्ति का नाम था राइट बंधु। क्या नाम था राइट बंधु। अब अगला नंबर क्वेश्चन देखिए टेन नंबर क्वेश्चन विश्व का की पूछ रहा है विश्व स्तर क्वेश्चन पूछ रहा विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला ये मोस्ट क्वेश्चन है बाबू करने वाला देश कौन सा है। जारी करने वाला कौन सा देश है ये क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई है पूछ भी सकता है बिहार एसएससी कुछ भी पूछ सकता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चा मेरे विश्व का पहला कागजी मतलब क्या था कागज मुद्रा मतलब कागज का पैसा जारी करने वाला कौन सा देश जारी मतलब आज से ये कागज का पैसा चलेगा पूरा मतलब उस देश में कागज की मुद्रा पैसा चलेगा ठीक है। तो जारी करने वाला देश कौन सा था जारी करने वाला सबसे पहला देश कौन सा चीन है। कौन है चीन जो सबसे पहले कागज का नोट निकाला था चीन देश। अब अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर क्वेश्चन विश्व का प्राचीनतम धर्म जो अस्तित्व में है मतलब समझा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। विश्व का प्राचीनतम जो विश्व से प्राचीन साल से जो चल रहा है जो धर्म अस्तित्व में मतलब खतरे में कौन सा धर्म जो हमारे खतरे में विश्व स्तर पर ठीक है। तो वो कौन सा धर्म है सनातन धर्म जो सनातन धर्म के लिए लड़ाई भी चल रहा पूरा भारत में। तो कौन सा धर्म है सनातन धर्म सनातन धर्म। यहां तक समय किसी बच्चा कोई दिक्कत है आप एक बार अच्छे से क्वेश्चन को देखिए। बारे में क्वेश्चन क्या है विश्व के बारे में पूछ रहा है विश्व पूरा दुनिया के बारे में विश्व का प्रथम नगर
जिस पर परमाणु बम गिराया गया। क्वेश्चन को आप इसका आंसर भी जानते फटाफट दे सकते सर, हम जानते इसका आंसर। विश्व का प्रथम नगर में सबसे कौन नगर में जो जिस पर परमाणु बम गिरा था, पूरा विश्व सबसे पहला वहां बम गिराया था उस नगर में, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? हिरोशिमा पर सबसे पहला परमाणु बम गिरा था, इसका आंसर क्या आ जाएगा? हिरोशिमा। आप सब जानते होंगे कि परमाणु बम कितना खतरनाक है, ठीक है। अब 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन, विश्व का प्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाला देश कौन सा है? क्वेश्चन आप एक बार अच्छे समझिए। विश्व का प्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाला, पुस्तक कुछ पूछा आपका, सबसे पहले कौन सा देश जो पुस्तक को मुद्रित करने वाला देश है, ठीक है। सबसे पहले पुस्तक छापना स्टार्ट किया, मुद्रित मतलब छापना स्टार्ट किया, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा देश है? चीन ये ऐसा देश जो प्रथम पुस्तक जारी किया था, मुद्रित किया था, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? पूरा दुनिया में सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन था, जो लेडीज का पूछ रहा है, विश्व की प्रथम महिला, सबसे पहला मतलब कौन ऐसा महिला थी जो सबसे पहले प्रधानमंत्री पूरा विश्व में बना था, पूरा दुनिया का बात कर रहा था, उस लेडीज का नाम पूछ रही है। एस भंडार नाइके ब्रैकेट में लंका, क्या एस भंडार नाइके लंका। यहां तक समझ, कोई स्टूडेंट, डियर माय डियर स्टूडेंट, कोई दिक्कत है? विश्व का सबसे बड़ा पूछ रहा, सबसे बड़ा मतलब सबसे सब देश से ज्यादा बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? किसके बारे में पूछ रहा है? द्वीप समूह पूरा विश्व में कौन सा है, इसका आंसर क्या आ जाएगा? विश्व स्तर पूछ रहा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह पूछ रहा, चर्चा कर रहा है, द्वीप समूह सबसे बड़ा कौन सा, सब द्वीप से मतलब बड़ा, ठीक है। तो इंडोनेशिया, इसका आंसर क्या आ जाएगा? इंडोनेशिया सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? इंडोनेशिया। अब अगला 16 नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू,
ठीक है, विश्व का सबसे अधिक, सबसे ज्यादा का नहीं मतलब, सबसे अधिक, विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला, आबादी में जनसंख्या वाला देश, आबादी वाला वाला शहर, शहर कौन है, शहर कौन है, देखिए क्वेश्चन, विश्व का सबसे ज्यादा आबादी मतलब आदमी की आबादी, महिला का आबादी सबसे ज्यादा, को बच्चा का आबादी, सबका आबादी पूछा वाला शहर कौन सा है, ठीक है, सबसे ज्यादा संख्या शहर का, ठीक है, हाँ सबसे ज्यादा शहर में आदमी रहता है, ठीक है, शहर का टोक्यो, क्या जाएगा आंसर, टोक्यो शहर, टोक्यो यहाँ सबसे ज्यादा आबादी है, टोक्यो। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर, विश्व का सबसे सबसे छोटी महाद्वीप कौन सी है, छोटी मतलब सबसे छोटा, छोटा छोटी महाद्वीप कौन सा है, की पूछ रहा, विश्व का सबसे सबसे छोटा, सब जैसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, सबसे छोटा कौन देश का महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया का, इसका आंसर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया क्यों जगह इसका ऑस्ट्रेलिया। माय डियर स्टूडेंट, कहीं भी दिक्कत हो आपके हमेशा 24 घंटा सचिन सर अवेलेबल है, ठीक है, आप एक बार क्वेश्चन को पढ़िए उसके बाद समझिए, कहीं भी दिक्कत, मेहनत आपको करनी है सर, जब तक आप मेहनत नहीं करिएगा आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, मेहनत ऐसे कहीं खामोशी से मेहनत करिए, खामोशी से करिए कि लोग बाद में जाने की मेहनत बच्चा कर रहा था,